क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है सर कि ये जो ज़मीन देख रहा है ये ज़मीन सर मेरा है सर, ये 1969-70 ईस्वी से मेरे कब्जा में है, दखल में है सर। इसमें जो है कर्मचारी से मिले कि सर इसके कागज़ पत्र के बारे में बाढ़ आया था सर, मेरा कागज़ पत्र कुछ बह गया था, वही कागज़ के सिलसिले में कर्मचारी से मिले तो कर्मचारी बोला कि ऐसा है कि कागज़ आपको दिखाएंगे, 2-3 दिन का समय लिया। 2-3 दिन बाद फिर उनसे मिले तो बोला कि इसमें खर्च लगेगा। हम बोले खर्च कितना लगेगा सर, तो बोला कि 2.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख अगर दीजिएगा पैसा तो जितना काम है सारा काम हम कर देंगे। आपने अब तक में कितने दिए हैं? हमने सर अब तक में 2,35,000 रुपये दिए हैं। तो और आपको कितना मांग कर रहे हैं आपसे? अभी सर 10-15 दिन पहले जो है 20 दिन पहले हैं 20,000 का हमसे मांग किया था कि 20,000 रुपया दो, नहीं तो अभी कोई सरकारी भवन या कुछ कार्य आया है वो बनेगा, इस पर अगर पैसा नहीं दोगे तो। क्या नाम था जो आपने उसको पैसा दिया? राजेश सुमन कर्मचारी नाम है सर। राजेश सुमन नाम है जी सर। और किसके नाम से पैसा मांगा था? और CO साहब के नाम से पैसा मांगा था सर, कि CO साहब को भी देना है पैसा। CO साहब को आपने दिया है पैसा? नहीं हमने नहीं दिया, हमने कर्मचारी को दिया है सर। तो टोटल पे कर दिए हैं पैसा? पैसा पे कर। आप फोन पे किया है या कैश दिए हैं? कैश दिए हैं सर। फोन पे भी किए हैं कभी? नहीं सर फोन पे नहीं किया है सर, पैसा का बहुत दिक्कत था हमको, पूरा परिवार जैसे कर्मचारी हमको बोला तो आपस में ये देख रहे सर, भाई बहन माँ बाप ये मेरा पिताजी है, मेरा माँ है, मेरा भाई है सर, ये सब ने आपस में सलाह करके अपना ज़मीन मेन रोड में 2 कट्ठा बेच करके हमको पैसा दिए हैं सर। तो कहाँ पे आप बेचे हैं? इधर ही है सर बराबर में रोड में। कौन सी जगह है? जगह का नाम बोलिएगा। आगे कितना में बेचे हैं सर? कितना मतलब उसका कोई नाम होगा जमीन? पोखर के पश्चिम, पोखर के पश्चिम साइड में बेचे हैं सर। बाबा आप बताइएगा कब बाढ़ आया हुआ था? 99 में ही कागज आपका मतलब कि ये हो गया, बहा गया था। पूरे बस्ती से हमारे लेंटर तक पानी था, कोई आदमी रहने वाला। आप पेपर निकालने का कोशिश किए कोर्ट से या किए या CO साहब से कभी? CO साहब से जाइए। आपने कोशिश किया निकालने का या आपने आवेदन दिया कि मेरा पेपर खो गया? हम कर देंगे सर। लिखित तौर पर आप आवेदन दिए थे? हाँ लिखित तौर से। लिखित तौर पे देते? अभी भी आपका आवेदन का जीरोक्स हो सकता है आपके पास? जीरोक्स हो सकता है तो हमारे पास अवेदन नहीं है, तो उसे समझ दिए फिर दोबारा कि उसके कागज पत्र दिए उसको भी देखिए दोबारा करा दीजिए, बोला कि देखिए पैसा ही खर्चा होगा नहीं है। और सर वो 2,35,000 जो बाद जो पैसा दिए राजेश कर्मचारी साहब को, तो वो बोला कि जो है आप कागज पत्र का आप टेंशन मत लीजिए इसका।